थोक मंडी में प्याज के दामों में तूफानी नजर आई। एक ही दिन में प्याज में 1000 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल दर्ज किया गया है। सुपर प्याज के 1-2 लॉट तो 3700 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल बिक गए। बीते दिनों दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में नए प्याज की फसल पर जाते हुए मानसून की बारिश भारी पड़ रही है। बाहर के प्रदेश में प्याज की तैयार फसल को आखिरी दौर के पानी से भारी नुकसान की बात कही जा रही है। व्यापारी गलियारों में चर्चा है कि बाहरी प्रदेशों में 40% तक प्याज खराब हो चुका है। चर्चाओं से बाजार में तेजी को बल मिल रहा है। मंडी में माल की आवक भी कमजोर हो गई है। दरअसल नई फसल दक्षिण और महाराष्ट्र की ओर से आनी थी, लेकिन बारिश और खेतों में नमी के कारण प्याज निकलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आवक कमजोर है। सोमवार यानी 4 अक्टूबर को मंडी में प्याज की आवक 40,000 बोरी तक सीमित रही, जबकि नवरात्र और त्योहार की मांग अब निकल गई है। ऐसे में खरीदार हर दाम पर माल खरीद रहे हैं। वहीं स्थानीय किसान भी ज्यादातर माल निकाल चुके हैं। इसके चलते अब जिनके पास अच्छा और सूखा माल है, उन्हें कीमत भी उतनी ही ऊंची मिल रही है। सोमवार को गोल्टी प्याज भी 2500 रुपए तक बिका। व्यापारियों की माने तो 1-2 दिन में ही प्याज 4000 रुपए बिकता नजर आ सकता है। आगे मंदी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।